A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmau Chauraha, Rewa. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं नाम है आयुष आनंद, रीवा की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के करहिया में लगभग दर्जन भर बच्चे जन्मदिन मनाने गए। TI सिविल लाइन ने सिविल लाइन थाने में युवाओं का केक कटवाकर युवाओं का जन्मदिन मनवाया। सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा निर्देशित किया गया था कि करहिया रोड में कुछ लड़के सड़क पर गाड़ी लगाकर, पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि तत्काल ही सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा थाने में उन्हें बुलाए। थाने का बल भेजकर सभी लड़कों को सिविल लाइन थाना में बुलाया गया, जिसमें कुछ लड़के नाबालिग बताए गए। हालांकि सभी युवा लड़कों का केक काटकर जन्मदिन थाने में ही मनवाया गया। उनके 4 की संख्या में 2-व्हीलर वाहन में चालानी कार्रवाई की गई और थाने लाए गए सभी लड़कों के परिजनों को थाने में बुलाकर उनके परिजनों को समझाइश देते हुए सभी को जाने दिया गया। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने आम जन एवं युवा से अपील की है कि सभी माता पिता गार्जियन अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती से आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में जा सकता है, क्योंकि युवा ज़्यादातर नशे की गिरफ्त में हैं और हमें अपने भविष्य, अपने समाज को नशे की गिरफ्त से छुड़ाना है। ये उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। सर, आज कुछ लड़के बीच सड़क पे जन्मदिन मना रहे हैं, क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक सूचना दी गई कि करहिया मंडी रोड पे कुछ बच्चे, संदिग्ध बच्चे एकत्र हुए हैं, तो उनकी तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई करें। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम वहाँ पर मौके पर पहुँची तो ये पाया गया कि लगभग 10 से 15 बच्चे वहाँ पर रोड में गाड़ी खड़ी किए हुए थे, मोटरसाइकिल, और एक केक रखा हुआ था और जन्मदिन की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने की तैयारी कर रहे थे। उन सारे बच्चों को वहाँ पे मौके पे समझाइश दी गई। चूँकि रोड पर कोई भी ऐसा काम करना वैधानिक नहीं होता है, जन्मदिन मनाने के कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करना चाहिए। सारे बच्चों को आवश्यक समझाइश देखने के बाद थाने पर लाए थे। इसके बाद जो गाड़ियाँ उन्होंने रोड पर रखी थी उसमें चालानी कार्रवाई की गई। बच्चे स्कूल के थे, जब उनकी मूल भावना को समझा गया तो उनका कोई अपराध से संबंधित इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं था। एक बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए गए थे तो ऐसा आभास हुआ कि इनका जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। हमने प्रयास किया हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर के, और उस बच्चे का केक उनके मित्रों के साथ हमने थाने में कटाने का प्रयास किया है। उनके परिजनों को भी बुलाए, आवश्यक उनको भी समझाइश दिए कि क्या करना और क्या नहीं करना है। सारे परिजनों ने भी बच्चों को समझाया और इसके बाद केक कटवा करके खुशी खुशी उन बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। सर, देखा जाता है कि आए दिन बच्चे अपना जन्मदिन सड़कों पर ही मनाते हैं, उन पर क्या संदेश है? उनके लिए संदेश ये है कि पहली चीज़ तो ऐसा, चाहे वो जन्मदिन का मैटर हो या पिकनिक का मैटर हो, प्रायः हादसे होते हैं। आपने सुना होगा अभी कटनी में 1-2 दिन पहले ही 5 बच्चे नदी में पिकनिक मनाने के दौरान डूब गए और 5 की डेथ हो गई। कभी इसी तरह के ओकेजन्स में बच्चे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह से अगर हम रोड में बाइक खड़ी करके और केक काटेंगे तो निश्चित तौर पे कोई हादसा भी हो सकता है, कोई उसी बीच कोई बड़ा वाहन आता है। यद्यपि करहिया रोड में अभी वाहन कम चलते हैं पर फिर भी हादसे कभी भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि जब भी कोई जन्मदिन मनाए तो कहीं या तो अपने घर में मनाए जहाँ सारे बच्चों को बुला लें, किसी होटल्स में मना लें, लेकिन रोड में इस तरह के उत्सव कभी भी नहीं मनाना चाहिए। इससे हमको बचना चाहिए, परिजनों को भी अपने बच्चों की देखरेख में ये बताना चाहिए कि इस तरह का कृत्य न करें जिससे कोई दुर्घटना हो और जीवन भर के लिए पछतावा बने। सर, हमारी आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ जैसे रीवा में हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोरेक्स या इस तरह के नशे का सेवन करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस दिशा में लगातार धरपकड़ की है, जनहित। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो आपको बता दें कि रीवा में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदर नगर में कई घरों में नगर निगम राजस्व एवं प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर अवैध निर्माण को गिराते हुए अतिक्रमण हटाया गया।
अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि जमीन जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतर्गत आती थी, जो नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की गई थी, जिसके बाद उन्हें शिकायत मिली कि जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, जिसके बाद राजस्व विभाग के द्वारा अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के बाद लोगों के द्वारा विरोध भी जताया गया, स्वाभाविक है, और नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई की गई, लेकिन भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी होने के कारण सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंजीनियरिंग कॉलेज की पहले जमीन थी जो नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित हो गई है। यहाँ पर लोग शिकायत कर रहे थे अतिक्रमण की, उसको राजस्व विभाग से सीमांकन का चिन्हांकन कराया गया और जो चिन्हांकित जगह थी उनके अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। कितनी जमीन थी, कितने घर का कब्जा था? ये 7 लोगों का कब्जा था, कहीं 3 फीट थी, कहीं 4 फीट थी, कहीं 5 फीट थी, उनकी लगभग सबकी बाउंड्री फंस रही थी, सब बाउंड्रियाँ गिरा दी। हाँ, विनोद त्रिपाठी है, इसमें शिकायत BCM हेल्पलाइन नहीं हो, तमाम शिकायत करते रहते हैं, आए दिन शिकायत करते हैं, और शिकायतें हो गई थी इनकी 700-800 दिन की, तो शासन से भी ये था कि इसको निराकरण कराइए, तो हटा दिया गया। कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है? अरे, अब निश्चित रूप से जो अब कब्जा किए हैं उनकी जमीन वो हट रहा है, बाउंड्री उनको नुकसान हो रही, तो विरोध तो करेंगे, स्वाभाविक है, तो हटाने में विरोध होता है। नगर निगम RS अकेडमी रीवा, आपके सपनों को मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपके लक्ष्य को सफलता की राह पर लाने की जिम्मेदारी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह होगी आसान, आप पाएंगे सफलता का मुकाम। UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ RS अकेडमी रीवा में। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच कोर्सेज, UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी। पता, सेकेंड फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।